जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम सामने वाले को प्यार दे सकते हैं और उसका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपको बताने के आई हूँ आटे का दीपक। आटे का दीपक, किसी भी शुभ काम को जब हम करते हैं तो आटे का दीपक का हम इस्तेमाल करते हैं। आटे का दीपक जो है ना, जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारी इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। किसी भी शुभ काम के अंदर हम आटे का दीपक का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही पीपल, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक का बहुत महत्व होता है। और जिस समय आप आटे का दीपक जला रहे हैं उस समय आपके आपके मन के अंदर जो भी इच्छा है, पीपल का जो पेड़ होता है उसके अंदर करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है, तो हमारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। साथ ही आज मैं आपको एक बताने के लिए आई हूँ, आप ये काम शुरू करें और आप देखेंगे कि आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने मंडे से ये आटे का दीपक जलाना शुरू करना है। शिवजी भगवान के मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास में आपने आटे का दीपक जलाना है और जो आपकी मनोकामना है वो आप एक कागज़ के ऊपर लिख लीजिए। खास जो ये उपाय है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है उसके लिए है ये उपाय। आपने आटे का दीपक जलाना है शुक्ल पक्ष के सोमवार से। जो भी काम करना है, शुभ काम करना है, शुक्ल पक्ष के अंदर करना है। दीपक बनाने के बाद में आपने शिवजी भगवान के पास में ये दीपक को रख देना है। अगले दिन जब आप जाएंगे तो दो आटे के दीपक लेकर के जाएंगे, तीसरे दिन जाएंगे तो तीन आटे के दीपक लेकर के जाएंगे। तो इस तरीके से आपने 11 दिन लगातार जाना है, दीपक जलाने हैं और उसको बढ़ाते चले जाना है। जैसे एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, इस तरीके से 11 दिन तक आपने ये आटे का दीपक जलाना है। जिस समय आप आटे का दीपक जला रहे हैं उस समय आपने अपनी जो भी इच्छा है वो बोलनी है। सपोज मेन जो है ये प्रॉपर्टी संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, वो ये उपाय करें जलाने के बाद में। और वो जो दीपक जलाना है उससे पहले आपने घर से ही जो भी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस लिखना है, उसकी अगर फोटो है तो फोटो आपने अपने पास में रखनी है, उस फोटो को साथ लेकर के जाना है। दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद में वहाँ पर ही आपने प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरी इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करें। और 11 दिन के बीच में ही अगर आपकी प्रॉपर्टी संबंधित जो समस्या है वो हल हो जाती है, मगर ये रूटीन आपने 11 दिन तक ही करना है। 11वें दिन आपने 11 ब्राह्मणों को या 11 गरीबों को खाना खिलाना है जब आपका ये काम हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम होते होते रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी भी फोर्स डाल रही होती है, नेगेटिविटी आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे काम के अंदर रुकावट आ जाती है। तो जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे और 2021 आ रहा है उनका स्वागत करें। जय श्री राम। Positive, be happy.